नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हमारे चैनल से जुड़ने और बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए देव शयनी एकादशी की कथा को लेकर आई हूँ। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। देव शयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा में लीन हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस कथा को। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देव शयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देव शयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चतुर्मास कहा जाता है। देव शयनी एकादशी को देव शयनी महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देव शयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने केशव से कहा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं आज तुम्हें कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वह भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए उनकी कुशल पूछी, फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरअपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरअपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है।
कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्या एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सभी व्यक्तियों को इस देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाजत। धन्यवाद दोस्तों।